नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में आम लोगों को उचित कीमत पर मिलेगा बालू। मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को निकाय चुनाव में मिली बड़ी जिम्मेदारी। बिहार मैट्रिक बोर्ड के परीक्षा फॉर्म भरने की बढ़ी तिथि। बिहार में खाद लाइसेंस का बदलेगा नियम। सूर्य कुमार यादव ने मैच जीतने के बाद कही दिलचस्प बात। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में आम लोगों को उचित कीमत पर मिलेगा बालू। बिहार के 35 जिले के 900 बालू घाटों की बंदोबस्ती अक्टूबर महीने में पूरी होगी। ऐसे में बंदोबस्ती पूरी होने और सभी प्रक्रियाओं को पूरा होने के बाद बालू खनन सभी बालू घाटों पर नवंबर के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। इससे राज्य सरकार का राजस्व बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य के सभी हिस्सों में बालू की उपलब्धता बढ़ जाएगी। इसका फायदा आम लोगों को होगा, उन्हें उचित कीमत पर बालू मिल सकेगी। निर्माण कार्यों में बढ़ोतरी होने से रोजी रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सभी बालू घाटों को डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट पहले ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तैयार कर लिया गया था, उसके आधार पर ही बंदोबस्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। बिहार मैट्रिक बोर्ड के परीक्षा फॉर्म भरने की बढ़ी तिथि। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक व इंटर वार्षिक परीक्षा 2023 के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। अब मैट्रिक परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 8 अक्टूबर तक होगी। इससे पहले इसकी अंतिम तिथि बीते 25 सितंबर तक ही थी। परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने के साथ रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा नहीं कराने वाले स्टूडेंट्स को भी 8 अक्टूबर तक शुल्क जमा कर सकते हैं। जिस स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन या परीक्षा फॉर्म शुल्क जमा नहीं होगा, उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही बीएससीबी ने सभी स्कूल और कॉलेजों को निर्देश दिया है कि अगर किसी स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन कार्ड में किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो वे उसे ऑनलाइन सुधार सकते हैं। बिहार में खाद लाइसेंस का बदलेगा नियम। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह यूरिया की बिक्री की प्रक्रिया को लेकर कई बार अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और उन्होंने कई बार इसमें बदलाव की बात भी कही है, जिसके बाद बिहार में आने वाले दिनों में खाद और कीटनाशक दवाइयों की बिक्री के लिए दुकान खोलना आसान नहीं होगा। आने वाले समय में जो नया नियम बनने जा रहा है, उसके अनुसार फर्टिलाइजर और कीटनाशी वही बेच पाएंगे जिन्होंने केमिस्ट्री में स्नातक की पढ़ाई की हो। कृषि विभाग 15 दिनों का क्रैश कोर्स कराकर खाद्य बिक्री का लाइसेंस देने पर भी काम कर रहा है। 3 गुनी रफ्तार से बढ़ी डेंगू मरीजों की संख्या। बिहार के पटना में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी अब 24 घंटे के भीतर नए 90 से 100 मरीज सामने आ रहे हैं। महीने के भीतर 666 से अधिक डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। 3 गुनी रफ्तार से जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ी है। सूत्रों की माने तो निजी अस्पताल को अगर मिला दिया जाए तो आंकड़ा प्रतिदिन का 130 से 150 के करीब पहुंच जाएगा। इससे बचाव के लिए नगर निगम की टीम से सहयोग लेकर लार्वा की जांच व दवा आदि छिड़काव अभियान के तौर पर चलाया जा रहा है। इसके साथ ही अस्पतालों में संदिग्ध बुखार के मरीजों को डेंगू जांच के लिए निर्देश जारी किया गया है। वहीं सूबे में भी डेंगू का प्रकोप शुरू हो चुका है। डाकघर में बचत खाता खोलने में मुंगेर अव्वल। राज्य में पिछले 5 माह से पोस्ट पेमेंट बैंक की 38 शाखाओं में कुल 1,16,010 नए बचत खाता खोले गए और खातों में 37,193,530 रुपए जमा किए गए हैं। इनमें मुंगेर शाखा ने सबसे अधिक 8,105 नए खाते खोले और इनमें खातों में कुल 27,27,373 रुपए जमा हुए, जबकि छपरा शाखा में सबसे कम 280 नए खाते खोले और कुल 1,84,473 रुपए खाते जमा किए गए। वहीं पटना ब्रांच ने इस दौरान में 2,587 नए खाते खोले, लेकिन महज 9,40,798 रुपए इन खातों में जमा हुए। बिहार में 23 माह से भंग है महिला आयोग। बिहार में इस अक्टूबर महिला आयोग को भंग हुए 2 साल हो जाएगा, लेकिन अब तक आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है। बता दें कि महिला आयोग में आने वाली पीड़िताओं को न तो आवेदन लिया जा रहा है और न ही उनकी सुनवाई हो रही है। यहां पीड़िताएं जब अपना आवेदन लेकर आती है तो उन्हें महिला थाना या फिर महिला हेल्पलाइन जाने की सलाह दी जाती है। आयोग के भंग होने के बाद से अब तक 5,684 आवेदन पेंडिंग है। साल 2020 में कुल 3,003 पर आवेदन आए थे। आयोग भंग होने के बाद से इनमें से 1,415 आवेदनों पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। साल 2021 में पोस्ट के जरिए 2,544 आवेदन आए, जबकि इस साल सितंबर तक 1,725 आवेदन आए हैं। इस तरह 5,684 आवेदन बिना सुनवाई के पड़े हैं। मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को निकाय चुनाव में मिली जिम्मेदारी। बिहार में निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने मशहूर अभिनेता मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बिहार के दोनों मशहूर एक्टर आने वाले निकाय चुनाव के लिए मतदाताओं को अपना मताधिकार इस्तेमाल करने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। बता दें कि मनोज वाजपेयी के मतदाता जागरूकता से जुड़े संदेश का प्रसारण भी शुरू हो गया है। वहीं जल्द ही पंकज त्रिपाठी भी मतदान के लिए आम मतदाताओं को प्रेरित करते नजर आएंगे। राज्य में पहले
चरण के निकायों के लिए मतदान 10 अक्टूबर को और दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर को मतदान होना है। कॉमर्स STET का शेड्यूल जल्द होगा जारी। शिक्षा विभाग बहुप्रतीक्षित कॉमर्स विषय के लिए STET यानी कि सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने जा रहा है। जानकारी के अनुसार इसकी शेड्यूल इसी हफ्ते जारी की जा सकेगी। शेड्यूल के तत्काल बाद आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया है कि हमारी पूरी कोशिश है कि कॉमर्स विषय के ये STET एग्जाम नवंबर 10 से 15 तारीख के बीच करा ली जाए ताकि सातवें चरण में आगामी शेड्यूल में वह नियोजन प्रक्रिया में भाग ले सके। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सातवें चरण के शिक्षक नियोजन के लिए पोर्टल को इसी सप्ताह 30 सितंबर तक हरी झंडी दे दी जाएगी। पटना के मेदांता सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में सेमिनार का आयोजन। बीते दिन रविवार को मेदांता सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कंकड़बाग में उड़ान सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया। यह सेमिनार अचानक हृदय गति बंद होने के विषय पर आधारित था। बता दें कि इस सेमिनार में कई सुपर स्पेशलिस्ट के साथ साथ राज्य के विभिन्न जगहों से लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें सभी प्रतिभागियों को CPR से संबंधित विशेष जानकारी देकर ट्रेंड किया गया। इस मौके पर अवकाश महेश्वरी, पुष्प ज्योति रानी, धर्मेश तिवारी, रोशन कुमार, रोहित कुमार, निशांत कुमार मल्लिक, सभा हाशमी, अनुप्रिया मानस झा समेत सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया। बिहार के 4 जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट। सोमवार को मौसम विभाग के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 4 जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की आशंका जताई गई है। वहीं राज्य के 26 जिलों में हल्की बारिश और मेघ गर्जन का पूर्वानुमान लगाया गया है। सोमवार के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि पुनिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिलों में भारी बारिश और वज्रपात होने का पूर्वानुमान है। इससे लोगों को नुकसान भी हो सकता है, इसलिए नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की चेतावनी दी गई है। राज्य के 26 जिलों में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश होगी। शेष हिस्सों में सामान्य मौसम होंगे। बिहार के फर्जी सर्टिफिकेट से 10वीं में दाखिला। कोरोना काल में फर्जी सर्टिफिकेट से 10वीं में दाखिला लेने का खुलासा हुआ है। इस मामले में बिहार समेत 6 राज्यों के 92 शिक्षण संस्थानों के खिलाफ हरियाणा में मामला दर्ज किया गया है। जांच के घेरे में आए बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन पटना के 4 छात्रों पर फर्जी सर्टिफिकेट से 10वीं में दाखिले का आरोप है। वहीं हरियाणा में कुल 129 छात्रों ने 10वीं के फर्जी प्रमाण पत्र पर दाखिला लेकर 12वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की। इन 129 छात्रों में फरीदाबाद के 13 छात्र शामिल है। अब तक इस मामले को लेकर मुख्यालय के आदेश पर 92 शिक्षण संस्थान और करीब 129 छात्रों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गिरिराज सिंह का तंज। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद भले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और RJD चीफ लालू यादव उत्साहित है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने बेहद ही तल्ख लहजे में ट्वीट कर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, सुनने में आया है कि सोनिया गांधी जी ने पलटूराम को दुत्कार के भगा दिया। बता दें कि सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद लालू यादव ने कहा था कि भाजपा को बिहार से विदा कर दिया गया है, अब देश से उनकी विदाई की बारी है। देश को बचाना है तो भाजपा को हटाना होगा। सोनिया का पैर पकड़ने को नीतीश अब लालू का ले रहे हैं सहारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ विपक्षों को एकजुट करने की योजना पर भाजपा लगातार हमलावर है। इस बीच बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने CM नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने CM नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हरियाणा में जुटे नीतीश कुमार और कांग्रेस समेत देश की तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता रिटायर्ड है, उनमें इकट्ठा होने से कुछ होने वाला नहीं है। सम्राट चौधरी ने कहा नीतीश कुमार भले ही देश भर में घूम रहे हो, उन्हें लोग भाव नहीं दे रहे हैं। पूरा देश जान गया है कि ये रिजेक्टेड है। इनके सहयोगी भी रिटायर्ड है, जिन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार सोनिया गांधी का पैर पकड़ने के लिए लालू का सहारा ले रहे हैं, इस बात को जनता जान गई है। सूर्य कुमार यादव ने मैच जीतने के बाद कही दिलचस्प बात। सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली के अर्धशतक के दम पर भारत ने रविवार को यहां तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। इसी के साथ भारत ने सीरीज 2-1 से जीत ली। मैच के बाद 36 गेंद में 59 रन की तूफानी पारी खेलने वाले सूर्य कुमार यादव ने कहा, उस स्थिति में लंबे शॉट लगाना जरूरी था। मैंने सोचा था कि मुझे एक चांस लेना चाहिए। मेरे मन में पहले 2-3 शॉट थे, लेकिन मैंने केवल मिड ओवर पर ही शॉट लगाने
की कोशिश ज्यादा की, मेरा लक्ष्य स्पष्ट था। मुझे 4 नंबर पर बल्लेबाजी करना पसंद है। मुझे इस नंबर पर की चुनौतियों से जूझने और जिम्मेदारियों को निभाना अच्छा लग रहा है। देश भर में आए 5,000 से कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी सोमवार को जारी की गई कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 4,129 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी की गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में कमी हुई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 42 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 11 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 92,316 कोरोना सैंपल की जाँच की गई है, जहाँ 57 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अंकित आनंद मिश्रा, नन्नू कुमार, मृत्युंजय कुमार, प्रिंस पूर्वे, शंकर मुखिया, MS अंकुश यादव, रंजीत मिश्रा, मुतुल रंगीला, सचिन कुमार, भान प्रकाश मौर्य, अहमद रुस्ती, अंकेश कुमार, कुलदीप कुमार, राकेश शर्मा, विद्या सागर यादव। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज जीत में किस खिलाड़ी का सबसे अहम योगदान रहा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।